आप क्या बताना चाह रहे हो एग्जैक्टली कि क्या है, और नवनिर्माण सेना का जो ये शारीरिक सेना है वो हाउ इज इट लाइक एसोसिएटेड विद दिस? सर्वात महत्त्वाचं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे आमचे लाडके, सर्व महाराष्ट्राचे लाडके आपले राजसाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने आणि आमचे मार्गदर्शक म्हणू शकता आमचे पक्षाचे नेते आहेत श्री नितीन सरदेसाई साहेब यांच्या मार्गदर्शनाने महाराष्ट्र नवनिर्माण शारीरिक सेना मुख्यतः या शेरू क्लासिक हा जो इकडे मोठा एक भव्य असा एक बॉडी बिल्डिंग एक्सपो होते आहे, फिटनेस एक्सपो होते आहे, त्याच्या संदर्भात आम्ही आमची एक मागणी होती आहे ना की महाराष्ट्राचे भूमिपुत्रांना या इथे होणाऱ्या एका स्पर्धांना, या सगळ्या इथे असंख्य स्पर्धा अशा भरवल्या गेलेल्या आहेत आणि इथे होणाऱ्या स्पर्धांना त्यांना एका अल्पदरात किंवा तुम्ही म्हणू शकता एका कमी दरामध्ये त्यांना खेळवावं, कारण की करोना जे गेल्या वर्षी सगळ्यांना भरपूर त्रास सोसावा लागला, प्रत्येक शरीरसौष्ठवपटू असो, एक ट्रेनर असो, एक आपले छोटे कोचेस असो, त्यांना गेल्या करोनामध्ये भयंकर त्रास सोसायला लागला आहे आणि या अशा एका स्पर्धेची, अशा एका प्लॅटफॉर्मची डेफिनेटली गरज आहे. पण अशा सगळ्या कार्य या गेल्या वर्षीच्या पॅन्डेमिकमुळे यांना हे आता कदाचित काय म्हणतोय मी तर म्हणतो त्यांना हे झेपणं अशक्य आहे की मोठे दर म्हणजे 20,000 वगैरे 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 हे जे आहे ते आपल्या भूमिपुत्रांना, महाराष्ट्राच्या खेळाडूंना हे जरा डिफिकल्ट आहे असा आम्हाला फीडबॅक आला. म्हणून आमची मागणी झाली शेरूंना आणि आयोजकांना आपल्या या शेरू क्लासिक फिटनेस एक्सपोच्या की महाराष्ट्राच्या खेळाडूंना अल्पदरात त्यांनी या लोकांना खेळावं किंवा यांना तो प्लॅटफॉर्म, जागतिक प्लॅटफॉर्म जो आहे तो त्यांना उपलब्ध करून द्यावा, ही आमची मुख्यतः महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण शारीरिक सेनेची ही मागणी होती, जी मला आपले जे इथले जे आयोजक आहेत त्यांनी ती मागणी पूर्णपणे सहकार्य करून ती मागणी मान्य केली, त्यासाठी मी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा आणि आभार व्यक्त करतो. महाराष्ट्र नवनिर्माण शारीरिक सेनेच्या अध्यक्ष म्हणून मी त्यांना यासाठी, त्यांनी ज्या प्रकारे प्लॅटफॉर्म दिला आहे त्यासाठी मी त्यांना खूप आभार माझे व्यक्त करतो. आणि बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत की या जे तुम्ही म्हणू शकता की ॲथलीट म्हणजे आमचे एक महाराष्ट्र गौरव झालेले आहेत, ते एक ॲथलीट आहेत, त्यांचा आम्ही इकडे एक सत्कार घेणार आहोत, महाराष्ट्र गौरव म्हणून त्यांना एक किताब दिलं गेलेलं आहे गेल्या वर्षी, याच वर्षी इनफॅक्ट, तर त्यांनासुद्धा आम्ही इकडे गौरव करत आहोत, कारण की महाराष्ट्राच्या भूमिपुत्रांना अशा प्लॅटफॉर्मची गरज आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये असं असंख्य अंतर टॅलेंट आहे. दुसरी गोष्ट मी आवर्जून सांगू इच्छितो की आमच्या प्लॅटफॉर्ममध्ये जे कौतुकास्पद आहे असं मी मला वैयक्तिकपणे वाटतं की आमच्याकडनं गेलेले जे हे अथलीट्स आहेत त्यांच्यापैकी दोन अथलीट्स हे इवन हँडिकॅप कॅटेगरीचे आहेत, जे महाराष्ट्राचे भूमिपुत्र आहेत. तर माझी ही म्हणजे म्हणू शकता आपण माझे हे कोटी कोटी आभार आहेत आयोजकांना की यांनासुद्धा त्यांनी या प्लॅटफॉर्मवर स्पर्धा खेळायला किंवा त्यांना एक प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला आणि त्यासाठी माझी त्यांना खूप जास्त मी त्यांना थँक्यू म्हणतो. आता मी आपल्या सर्वांसमोर या आपल्या माध्यमांच्या मार्फत मी त्यांच्या सगळ्यांची नावं आपल्याला आणि त्यांचे ट्रंक नंबर म्हणजे जे स्पर्धक त्यांच्या ट्रंकवर किंवा कॉस्ट्युमवर लावतात ते ट्रंक नंबर मी इकडे आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीत हे ते जाहीर करत आहे, त्यांची नावं मी आता घेत आहे. पहिले आहेत देव मिश्रा, जे हँडिकॅप कॅटेगरीमध्ये ट्रंक नंबर 285. दुसरे आहेत अल्मेडा, ज्या महिला आहेत त्या बिकिनी अथलीट आहेत, त्यांचा ट्रंक नंबर आहे 510. तिसरे आहेत यतीश ठाकरे, ते ॲमॅच्युअर ऑलिम्पियामध्ये आहे, त्यांचा ट्रंक नंबर आहे 627. चौथे आहेत रुपेश लोंढे, जे मेन्स फिजिक खेळत आहेत, त्यांचं ट्रंक नंबर आहे 267.
पाचवे आहेत आशुतोष म्हात्रे जे ॲमेच्युअर ऑलिम्पिया कॅटेगरीमध्ये करत आहेत, त्यांचा ट्रंक नंबर आहे 617. सहावे आहेत आरिफ खान जे शेरूमध्ये एक हे आहेत मेन्स फिजिकमध्ये आहेत, त्यांचा ट्रंक नंबर आहे 267. सागर मकवाना ते पण मेन्स फिजिकमध्येच खेळत आहेत, त्यांचा ट्रंक नंबर आहे 260. तरुण चुडासामा ते पण क्लासिक फिजिकमध्ये खेळत आहेत, त्यांचा ट्रंक नंबर आहे 608. निधी सिंग परत महिला ॲथलीट आहेत, त्या ऑलिम्पियासच्या स्टेज आपल्याकडनं गेलेल्या आहेत, त्यांचा ट्रंक नंबर आहे 626. अमित जाधव जे मेन्स फिजिक खेळत आहेत, त्यांचा ट्रंक नंबर आहे 279. सुदर्शन चव्हाण जे परत ऑलिम्पिया स्टेजवर हे खेळत आहेत, त्यांचा ट्रंक नंबर आहे 276. मिमोर युवराज ते पण आहेत शेरू क्लासिकमध्ये, त्यांचा ट्रंक नंबर आहे 284. रवींद्र वाळके ते पण आहेत मेन्स फिजिकमध्ये, त्यांचा ट्रंक नंबर आहे 633. असे आपण हे 13 खेळाडू महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महाराष्ट्र नवनिर्माण शारीरिक सेनेच्या माध्यमातून एवढ्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मवर त्यांना अल्पदरात तर जाऊ दे, पण मला परत मी सांगतो माझे आभार व्यक्त करतो की त्यांना निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट हे या आयोजकांनी आम्हाला यासाठी सहकार्य केलं, त्याबद्दल माझे आणि माझ्या पक्षाकडनं माझ्या संघटनेकडनं मी त्यांचे पूर्णपणे आभार व्यक्त करतो या मंचावर. जी ठीक आहे, इंग्लिश चालेल बरं. महाराष्ट्र नवनिर्माण शारीरिक सेना की स्थापना 2006 से हुई है और तब से अब तक जो फिटनेस में जो चीज़ें हो रही है, जो चीज़ें आप कह सकते हो कि काफ़ी चीज़ों में फिटनेस कम्युनिटी पर से का थोड़ा सा एक गालबोट कि वह आप बोल सकते हो उसको थोड़ा एक नेगेटिविटी भी आ जाती है कि ये सब नेचुरल नहीं है वगैरह वगैरह, तो ये सब पे एक चेक रखना. तंदुरुस्ती अंदर से आती है, तंदुरुस्ती के लिए बाकी के चीज़ों का सेवन करना, ये सब एक लेवल तक आप एक लेवल तक ये मान्यता नहीं है. ये सब महाराष्ट्र नवनिर्माण शारीरिक सेने का एक कह सकते हो आप, ये काम है, काम करते आए हैं और काम करेंगे. दूसरी बात, काफ़ी एथलीट्स को हमने इस प्लेटफॉर्म के मार्फत हमने उनको काफ़ी चीज़ों में मदद भी की है और आगे भी करते रहेंगे, ऐसा मेरा ठाम विश्वास है. जी जी, BMC द्वारा जो कार्रवाई की गई थी उसके बारे में मुझे डिटेल तो पता नहीं, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो हुई कल, जितनी मुझे पता है, तो ये BMC नॉर्म्स बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन जो कोविड प्रोटोकॉल्स जो है वो फॉलो करना है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ अगर फॉलो होती है, अगर ये अच्छी एक तरीके से फॉलो होती है सोशल डिस्टेंसिंग, आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो, बट जितना हो सके हमारी तरफ से अगर ये सब चीज़ें करते गए तो उतना एक तरह से अच्छा रहेगा सभी के लिए, इसीलिए ये BMC का ये हुआ था ऐसा मुझे कान में आया. डेफिनेटली कार्य करेगी. 2006 से जब भी से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना हुई है उस दिन से आज तक डॉक्टर ऋषि शेरेकर इसका अध्यक्ष है और आगे महाराष्ट्र नवनिर्माण शारीरिक सेना बहुत बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र के स्पोर्ट्समैन महाराष्ट्र के बॉडी बिल्डर्स मेल फीमेल उनके लिए डेफिनेटली पूरी तरह से ट्राई करती रहेगी और हमेशा उनको न्याय देने का एक क्या कर सकते हैं एक बहुत ज़्यादा प्रयास करती रहेगी. महाराष्ट्र नवनिर्माण शारीरिक सेना इसके लिए तो इवेंट हुआ है कि हमारे सपोर्ट से ही हुआ है,
तो इवेंट नहीं होता था, मैं तो यही कहूँगा ना। आज हमारा सपोर्ट है, राज साहब का सपोर्ट है, हमारे अध्यक्ष का सपोर्ट है। अगर आप देखोगे पूरे नेस्को में सिर्फ एक ही पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का बूथ है, वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने का है, शारिक सेने का है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे सपोर्ट से ही हो रहा है। और एक्चुअली ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सर, मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे बूथ में कुछ हैंडीकैप्स है, मतलब ये हैंडीकैप को महाराष्ट्र नवनिर्माण शारिक सेने ने सपोर्ट किया हुआ। आ जाओ या ना, या चेयर गया ना, चेयर गया, चेयर बूढ़े गया, आप थोड़ा इनसे भी पूछ लो कि इन्होंने जब भी हमारे कार्यकर्ताओं को जब भी कांटेक्ट किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने इनको एक फैमिली जैसा, मतलब पूरे स्टेशन से इधर आने तक इनको कितना सपोर्ट किया। जब मुझे ये सेरू क्लासेस के बारे में पता चला, तो सबसे पहले मैं इनसे कांटेक्ट किया और ये बोले कि आप कंप्यूटर खेलना चाहते हो तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। मैंने इनसे पूछा क्या कोई फीस भी वहाँ पे लगता है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री करने के लिए बहुत सारा फीस लगता है जो हम लोग डाल के नहीं आ सकते थे। तो ये बोले ऐसा कुछ नहीं है, वो सब हम हैंडल करेंगे, बस आप वहाँ पे जाओ और जो करना चाहते हो आप वो करो। फिर मैं यहाँ पे आया, फिर इनके सारे लोग यहाँ पे जो थे इनके स्टाफ में वहाँ रास्ते से मुझे यहाँ पे लेके आए, कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे। और यहाँ से जब जाने वक्त भी सर मुझे यहाँ पे ड्रॉप करके गए और उसके बाद यहाँ पे मैं अभी आया हूँ। और मैं तहे दिल से राज साहब ठाकरे एंड ऋषि सर को एंड संतान सर को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि बड़े स्टॉप पे मुझे लेके आए यहाँ पे और आज मैं सेरो क्लासेस खेल रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच सर। बोलने का तात्पर्य ये है कि जो हमने, जो ऋषि सर ने और नितिन सरदेसाई साहब का एक वीडियो वायरल हुआ था कि ये फीस को कम करके जाओ, हमने सिर्फ फीस नहीं कम किया, ऐसे एथलीट्स को अपॉर्चुनिटी मिली है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने तरफ से, शारीरिक सेने के तरफ से, ऐसे एथलीट्स आज ये स्टेज को जाके कम्पीट कर सकते हैं। रिजल्ट कुछ भी हो, पर एक मन की एक भावना होती है कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे हमको भी उतरना है। तो फीस इतनी बड़ी होने के कारण ये उतर नहीं सकते, पर आज नहीं कर सकते। आज माननीय राज साहब ठाकरे की वजह से, शेरेगर साहब की वजह से और सरदेसाई साहब के मार्गदर्शन के नीचे आज ये हो चुका है। और हम ये ऑर्गेनाइजर को भी हम थैंक यू बोलना चाहेंगे कि उन्होंने हमारी बात का रिस्पेक्ट रखा। बिल्कुल, शुक्रिया, थैंक यू। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एंड राज साहब ठाकरे, ऋषि सर, संतान फर्नांडिस इज माई वेरी गुड फ्रेंड एंड ऋषि सर इज लाइक आइडल फॉर अस। और ये अभी से नहीं सपोर्ट कर रहे, इंडस्ट्री जब से, फिटनेस इंडस्ट्री जब से बंद थी तो डे वन से महाराष्ट्र शारीरिक सेना हेल्प कर रही है हर एक फिटनेस इंडस्ट्री के जिम ओपन होने में, ट्रेनर्स को, जिम ऑनर्स को रेंट माफ किया। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म था ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था जिसको अफोर्ड करना हर एक के कैपेसिटी में नहीं था। क्योंकि आज आपको भी पता है आफ्टर कोविड लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी है। उसके बाद आज मेरे एथलीट्स का अगर इतना बड़ा फी, आज फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, मेरे चार एथलीट्स खेल रहे हैं, दे हैव अ वेरी गुड पोटेंशियल। एक फीमेल एथलीट है, शी इज हार्डली 19 ईयर, और तीन मेल एथलीट है जो अमेच्योर ओलंपिया और शेरू क्लासिक में कर रहे हैं। तो इतना बड़ा फीस आज महाराष्ट्र शारीरिक सेना के वजह से वो माफ़ हो गई है, और वो फीस आज हम लोग आगे उनके स्पोर्ट्स के लिए, आगे के प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और इन फ्यूचर अगर यहाँ पे ऐसे ही जो भी एडमिशन फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस है, उसमें अगर इतना कॉस्ट कम आ जाए या महाराष्ट्र के लोगों को अगर कंसिडर किया जाए तो मुझे लगता है और लोग आगे आके पार्टिसिपेट करेंगे, और इतने बड़े स्टेज, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वो भी माइंड सेट करेंगे। और ऋषि सर ने एक बहुत अच्छी बात की कि क्यों नहीं इंडिया से ओलंपिया बिकनी या मेंस फिजिक ओलंपिया या फिर बॉडी बिल्डिंग ओलंपिया हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। वी नीड सपोर्ट, और ऐसे सपोर्ट करने वाले रहेंगे ना तो डेफिनेटली ओलंपिया स्टेज पे एक दिन अपना मेंस फिजिक का एथलीट और मेडल लेके आएगा, बिकनी एथलीट लेके आएगा और बॉडी बिल्डिंग में भी आएगा, इतना मुझे एश्योरिटी है। सो थैंक यू सर सो मच। राइट, आजकल के स्पोर्ट्समैनशिप में थोड़ा पॉलिटिक्स भी आ गया है, यू नो लाइक एक दूसरे को थोड़ा, तो उसके लिए आप क्या कहोगे? सीनियर पर्सन ऑल्सो, आपने इस इंडस्ट्री को भी ग्रो करते हुए भी देखा है और काफ़ी पॉलिटिक्स भी हो रहा है, उसके लिए बड़ा कैसा है कि ये इंडस्ट्री में जब भी पॉलिटिक्स आता है, पॉलिटिक्स मतलब क्या, पॉलिटिक्स ये अच्छी तरह से भी हो सकता है ना। प्रॉब्लम कब होता है? जब पॉलिटिक्स को बुरा नाम दिया जाता है और बुरा एग्जाम्पल सेट होता है। लेकिन अच्छी तरह से अगर करें, ये मैं मतलब सबसे आगे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि
हर एक पॉलिटिकल मैं बहुत बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो शुड सपोर्ट एथलीट्स, शुड सपोर्ट स्पोर्ट्स। ओवरऑल एक इतना बड़ा एक अनटैप्ड पोटेंशियल हमारे कंट्री में है, महाराष्ट्र की भूमि में है। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं आपको सबको एक आपके माध्यम से आप प्लीज़ इसे लोगों तक पहुँचाइएगा कि हम लोग ये सब छोटी छोटी चीज़ें इन्हें सबको बोल सकते हो आप जरा खुद के ईगोज वगैरह ये सब को बाजू में रख के अगर ये एथलीट के और हमारे सब भाई हैं, हमारे सब लोग हमारे देश के हैं, उन्हें अगर प्रमोट किया गया तो बिलीव मी मिस्टर ओलंपिया एक दिन 100% भारत का बन के ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जय हिंद जय महाराष्ट्र, थैंक यू। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।